अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुतुबे पहाड़ी शहनशाह पहाड़ी हजरत सैयदना सनाउल्लाह शबाबा नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह गोहरबार में हाजिर हूँ और मेरे साथ में अल्लाह मौजूद है हमारे साथी फरीद भाई। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी इन्होंने जो यहाँ पर नगारा बजाया और मैं भी यहाँ हाजिर था, बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है कि ये नगारा कब से बजाया जा रहा है और ये क्यों बजाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि इनका ये अमल कब से है, फिर इंशाल्लाह मैं भी आपको अपने इल्म और शऊर के मुताबिक चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। आप ज़रूर सुने और इस वीडियो को देखकर लोगों में खूब आम करें ताकि लोगों तक एक सही मैसेज पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। नगारे आज तकरीबन कई सौ साल पहले से, जैसे कि पहले मस्जिद में उसके ऊपर हम लाइन नहीं, तो पहले ज़माने में जैसा नगारे से नमाज की इब्तदा करते थे, नगारा बजता था तो लोग समझ जाते थे कि हाँ नमाज का वक्त हो चुका है। उसके बाद फिर अभी जैसा दरगाह पे आप देखते हैं वहाँ मस्जिद, जितने अपने मुंबई में भी पीर मस्जिद के आस्थान है, हर जगह नगारा होता है, तो इसका मतलब एक बाबा को सलामी का पेश होता है। और जो दूसरी चीज़ है जो नमाज का भी आपको बताया, जैसे कि नमाज का मेरे तरीका जैसे आसान मैक नहीं थी, आज तो अल्लाह का शुक्र है एहसान ही नहीं रखता, क्या मस्जिदों में स्पीकर मैक थी, चीज़ अल्लाह ने चाहा तो उनके मुताबिक हो चुकी है। फिर नगारा ये मैं जब से खिदमत गुजारी में लगाऊँ, जब से मैं देख रहा हूँ और मैं दूसरी दरगाह को भी देखता हूँ, बसते रहा है इंशाल्लाह आगे बसता है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, इन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया। अब मैं भी आपको बताना चाहूँगा, वरना बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है कि जो हमारी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है, तो याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कि मैं यूं ही नहीं कह देता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो जहन में सवालात होते हैं तो मैं काजी महाराष्ट्र उनसे सवाल कर लेता हूँ, फिर वो जवाब देते, तो मैंने इस ताल्लुक से भी काजी महाराष्ट्र मुफ्ती साहब से जब सवाल किया तो हज़रत ने जवाब दिया था कि हाँ ये बजाना बिल्कुल जायज़, यानी अगर कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाए, जिस तरह अभी यहाँ पर मगरिब की अजान के बाद में ये नगारा बजाया जाता है, कि बहुत सारे लोग दूर दराज से भी आते हैं, दूर जवार से भी आते हैं और वो हाजिर होते हैं, फिर नगारे के बाद में वो दुआ करते हैं, तो यकीनन ये जब बजता है तो दिल पर एक हैबत तारी होती है। आप देखिए इसकी जो आवाज़ होती है, तो इससे दिल पर एक हैबत तारी होती है, तो इसे देख कर यानी सुन कर क़यामत का मंजर याद आता है, क्योंकि क़यामत के दिन भी जब हजरत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो यकीनन उस वक्त भी क्या होगा, आप जानते होंगे पहली मरतबा जब आप सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया फना हो जाएगी, ज़मीन आसमान चांद और सूरज, यहाँ तक के इंसान जिन्नात जितनी भी मखलूक सब चीज़ फना हो जाएगी, यहाँ तक कि इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाएगा, फिर दोबारा जब मेरा अल्लाह चाहेगा फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा होंगे, फिर आप सूर फूकेंगे, फिर सारे लोग जो अभी अभी इंतकाल कर गए थे और जो कई सौ या कई हज़ार साल पहले, फिर वो सारे लोग एक साथ ज़िंदा होते हैं, फिर हिसाबों किताब होगा, यानी फिर हशर का दिन होगा। तो यकीनन जब ये नगारा बजता है तो इसकी जो आवाज़, अभी आपने भी सुना कि इसकी जो आवाज़ होती है तो यकीनन ये दिल को छू जाती है और फिर इसकी आवाज़ इस दिल पर जाकर लगती है और फिर हमें वो क़यामत का मंजर भी याद आता है, तो यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि आप देखिए अगर गैर मुस्लिम से भी पूछे कि आप अगर दरगाह शरीफ पर जाते हो क्यों जाते हो, तो वो गैर मुस्लिम भी कहेगा कि हम किसी वली की बारगाह से गुजरते हैं तो गोया हमारे दिल को ठंडक मिलती है।